इंडिया साउथ अफ्रीका के तीसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर DRS को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि भारतीय कप्तान विराट कोहली भड़क गए और स्टंप माइक में आकर थर्ड एम्पायर पर ही गुस्सा निकाल दिया। और सिर्फ विराट कोहली ही नहीं बल्कि फील्ड एम्पायर भी थर्ड एम्पायर के डिसीजन से हैरान हो गए। ये पूरा सीन क्या था आपको बताते हैं। दरअसल अफ्रीकी पारी के 21वें ओवर में डीन एल्गर को फील्ड एम्पायर एरास्मस ने अश्विन की बॉल पर LBW आउट दे दिया था, लेकिन डीन एल्गर ने DRS लिया और थर्ड एम्पायर ने डीन एल्गर को नॉट आउट करार दे दिया, जबकि रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बॉल इंपैक्ट और पिचिंग लाइन में थी। फील्ड एम्पायर का डिसीजन भी आउट था, सिर्फ बॉल स्टंप को नहीं छू रही थी। इसी को लेकर थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन थर्ड एम्पायर के फैसलों को देखकर फील्ड एम्पायर भी हैरान रह गए क्योंकि अश्विन की बॉल पैड पर काफी नीचे लग रही थी। फिर भी बॉल ट्रैकिंग में ऊपर से निकल गई, जिस पर विराट कोहली भड़क गए और उन्होंने माइक के पास आकर थर्ड एम्पायर से कहा, अपनी टीम पर फोकस कीजिए, सिर्फ विपक्षी टीम पर ध्यान ना दें। विराट कोहली ने यह भी कहा कि पूरी कंट्री हम लोगों के खिलाफ खेल रही है क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि बॉल विकेट पर हिट करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर फील्ड एम्पायर भी हैरान रह गए। डीन एल्गर के बॉल ट्रैकिंग विवाद पर विराट कोहली ने जो गुस्सा दिखाया उसको आप कितना सही मानते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि डीन एल्गर वाकई में आउट थे?